क्ले ब्रिक बैम्बू गणेश। गुरुवार नाम के गांव में सोनू मोनू टीटू कहकर तीन दोस्त रहते थे। सोनू मिट्टी का व्यापार करता था, मोनू ईंटों का व्यापार करता था और टीटू बैम्बू का व्यापार करता था। एक दिन तीनों मिले थे, तब सोनू, क्या रे मोनू, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, कहकर पूछा। तब मोनू, क्या व्यापार यार, आजकल इंट भी प्लास्टिक का आ रहे हैं, अब मेरा इंटों का डिमांड बहुत कम हो गया है, पैसे भी कम मिल रहे हैं, और बताओ तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है, कहकर पूछा। तब सोनू, मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो, मेरा हालत भी तुम्हारे जैसा ही है, आजकल मिट्टी के बर्तन खरीदने वाले, मिट्टी के खिलौने खरीदने वाले कोई भी नहीं है, सब लोग फ्रिज खरीद रहे हैं, और उस मार्केट में मिलने वाला प्लास्टिक का खिलौने, वो जो बारबी खिलौने कहते हैं ना, वो खरीद रहे हैं, फिर मेरा व्यापार कैसे चलेगा बताओ, कहा। तब टीटू, आप लोगों का हालत मुझसे बेहतर है यार, मेरा और भी बेकार है, मेरा बैम्बू का सामान कोई भी नहीं खरीद रहे हैं, कहकर दुखी होने लगा। तब सोनू, कुछ तो करके हमारे व्यापारों को फिर से अच्छे से चलाना होगा यार, कहा। तब मोनू, आजकल के ये मुकाबला वाला जमाने में सब कुछ प्लास्टिक से भर गया है, हम कैसे हमारा चीजों को बेचेंगे, पूछा। तब टीटू, हाँ यार, इस मुकाबला वाले दुनिया में हमें भी गुजारना है तो हमको अपना व्यापारों को छोड़कर उस प्लास्टिक का सामान पर ही निर्भर होना पड़ेगा शायद, कहा। तब सोनू, नहीं यार नहीं, उस प्लास्टिक को इस्तेमाल करने का एक लिमिट तक रहता है, मगर ज्यादा इस्तेमाल करने से भी हमें ही हानिकारक होगा, इसलिए हम हमारे पुराने तरीकों को ही इस्तेमाल करके हमारे परंपरा के हिसाब से ही करेंगे, कहा। तब दोनों ने हाँ कहा। एक तरफ उस गांव में बारिश नहीं होकर बहुत सूख गया, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उस गांव का प्रेसिडेंट गांव में ज्योतिष बताने वाले ब्रह्मा नाम का एक आदमी के पास गया। तब प्रेसिडेंट ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी साहब, क्यों पता नहीं हमारा गांव का हालत बहुत सूख गया है, तालाब भी सूख गए हैं, बारिश भी नहीं हो रहे हैं, लोग बहुत तड़प रहे हैं, कोई उपाय है तो जल्दी बताइए, कहा। तब ब्रह्मा, देखिए ये सब पिछले साल में किया हुआ हमारा गलतियों के वजह से हो रहा है, कहा। तब प्रेसिडेंट, क्या गलती, हमने क्या किया, वो कैसे गुरुजी, कहकर पूछा। तब ब्रह्मा, हाँ गलती ही है, पिछले साल हमारे गांव वाले बहुत उत्सुक होकर बड़ा सा गणेश मूर्ति को लगाए, लेकिन वो गणेश प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनने के वजह से और उसके ऊपर हानिकारक रंग लगाने के वजह से उस मूर्ति को हमारे तालाब में विसर्जन करते समय हमारा तालाब दूषित हो गया है, उसके ऊपर सब लोग अपनी मर्जी से बहुत सारे मूर्तियां लगाने लगे, वैसे बहुत सारे मूर्तियां गिरने के वजह से हमारे तालाब में प्रदूषण फैल गया है, उस तालाब के मछली मर गए हैं, उस तालाब का पानी पीने के वजह से हमारा पशु बीमार पड़ गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, देखिए हमारा सनातन धर्म में जो भी त्योहार करने से भी वो त्योहार प्रकृति में मिलकर उसको अच्छा रखते थे, लेकिन प्रकृति को गुस्सा नहीं दिलाते थे, मगर आजकल वो सब हम भूलकर प्रकृति को नाश कर रहे हैं, कहा। तब प्रेसिडेंट, फिर उसके लिए क्या परिष्कार है गुरुजी, कहकर पूछा। तब ब्रह्मा, इस बार आप लोग प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया गणेश का मूर्ति को रखिए, एक नहीं तीन रखिए, भक्ति श्रद्धा से पूजा कीजिए, विसर्जन भी पिक्चर का गाना नहीं बल्कि गणेश का गाना लगाकर निकालिए, कहा। तब प्रेसिडेंट ठीक है कहकर गांव वालों से ये सब बातें बताया। ये सब सुनकर सोनू मोनू और टीटू गणेश का मूर्ति तैयार करने के लिए आगे आए। वैसे ही सोनू ने मिट्टी से गणेश, मोनू ने इंटोन से गणेश और टीटू ने बैम्बू का गणेश तैयार किए। लोग उनको बहुत भक्ति श्रद्धा से पूजा करने लगे। वैसे ही विसर्जन करते समय मिनी डीजे वैन में एक एक विनायक को बिठाकर धूमधाम से गणेश का गाना लगाकर गणेशों का विसर्जन भी किए। वैसे गणेश के दया के वजह से गांव वाले सब पुराने जमाने में इस्तेमाल किए थे वैसे सामान इस्तेमाल करने का फैसला लिए थे। ऐसे सोनू का मिट्टी का सामान का व्यापार चलने लगा, मोनू का ईंटों का व्यापार भी अच्छे से चलने लगा, वैसे ही टीटू का बैम्बू का सामान भी अच्छे से बिक्री होने लगे। गांव वाले सब सुकून से जीने लगे।